ओके सो हाय गाइस, तो चलिए जी एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है नेट मैकेनिक्स। तो कैसे हैं आप लोग? सो गाइस, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपसे तीन चीजों के बारे में बात करने के लिए आया हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बोनस चैलेंज के बारे में। आप में से बहुत सारे लोग बोनस चैलेंज का वेट कर रहे हैं कि भाई BGMI में बोनस चैलेंज कब देखने के लिए मिलेगा, तो इससे रिलेटेड मेरे पास आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा अपडेट है। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर 1.6 के अपडेट के रिलीज डेट के बारे में। 1.6.0 का जो अपडेट आने वाला है इसको लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। आप लोगों को पता है कि भाई पहले जो पबजी का अपना जो सीजन चलता था, सीजन 19, सीजन 20, सीजन 21, इस तरीके से सीजन 100 तक लेके जाते तो भाई बहुत अच्छा होता, लेकिन इन लोगों ने भाई सीजन 1, साइकिल 1, C1, S2, C1, S3 पता नहीं क्या क्या चीजें कर दिया, और भाई आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी हो गए कि भाई यहां पर कैसे क्या होगा, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और 1.6 का अपडेट कब आने वाला है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ बात करेंगे मंथ 3 के आरपी रिवॉर्ड्स के बारे में, तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी लोगों के लिए। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक कर देना, एंड आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरी वीडियो देखते हो तो मेक श्योर आप इस वीडियो को शेयर भी कर दिया करें, क्योंकि आपका एक शेयर आपके भाई का बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। तो भाई शेयर करना तो बनता है, चैनल पर अगर पहली बार आ तो मेक श्योर सब्सक्राइब करना। देखो वीडियो में आगे बढ़ू, सबसे पहले ना मैं आप लोगों को ना 1.6.0 के रिलीज डेट से रिलेटेड ना आप लोगों का डाउट जो वो क्लियर करना चाहता हूँ। भाई बहुत ज़्यादा डाउट है लोगों में, तो मैं आप लोगों का ना ये डाउट जो वो सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद हम लोग बात करेंगे बोनस चैलेंज के बारे में, एंड अल्टीमेटली हम लोग बात करेंगे मंथ 3 के आरपी रिवॉर्ड के बारे में, 1 to 50 RP। तो देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर ना 11 अगस्त को यहाँ पर एक जो है वो एक पैच नोट रिलीज किया गया था, जिसमें हमें ना इसमें सारी चीज़ें बताई गई थी जो हमारा यहाँ पर जो साइकिल 1 सीज़न 1 जो शेड्यूल हुआ है। जी हाँ, यहाँ पर आपको मैं बताना चाहता हूँ ये जो आपका एंड होने वाला है, जी हाँ, वो 16 तारीख, जी हाँ, इस महीने को 16 सितंबर को आप लोगों का एंड होने वाला है, ठीक है। एंड यहाँ पर आप लोगों का जो नया वाला जो आरपी है, जी हाँ, जो आप लोगों का मंथ 3 का है आरपी है, वो यहाँ पर आप लोगों का जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर शेड्यूल कर दिया गया सी वन एस टू, यहाँ पर 17 तारीख 7:30 बजे आप लोगों का जो वो स्टार्ट हो जाएगा। अब मिशन इग्निशन की बात करते हैं, तो मिशन इग्निशन मोड जो आप लोगों का एंड हो रहा है वो यहाँ पर आपका 14 तारीख को हो रहा है, मतलब कि 14 सितंबर को, ठीक है। तो अब दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के माइंड में सवाल होगा कि भाई ये 1.6 का अपडेट आएगा कब? तो देखो ये जो 1.6 का अपडेट है वो आप लोगों का 14 से 17 सितंबर के बीच में आप लोगों को ऑफिशियली गूगल प्ले स्टोर के ऊपर आपका अपडेट आ जाएगा, एंड आप बड़ी आसानी से अपने जो BGMI को अपडेट करके 1.6 के नए नए मोड्स के मजे ले सकते हो। काफी सारे एक रनिंग पावर मोड भी जो है वो BGMI के अंदर ऐड कर दिया गया, और ये ऑफिशियली आप लोगों को 1.6 के अपडेट के साथ देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप लोग कितना ज्यादा एक्साइटेड हो 1.6 के अपडेट के लिए मेरे को कमेंट करके जरूर से बताना। अब बात करते हैं भाई अपने बोनस चैलेंज के बारे में। तो देखो बोनस चैलेंज के बारे में यहां पर मैं आपको कुछ चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहता हूं जो आप लोगों को जानना और समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और भाई काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि ना ये जो बोनस चैलेंज है वो यहां पर जो अपना जो BGMI है उसके अंदर आने ही नहीं वाला है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों का ये डाउट जो वो क्लियर कर देना चाहता हूं कि बोनस चैलेंज आप लोगों का BGMI में आने वाला है। तो सबसे पहले मैं आप लोग देख पा रहे हो कि मैंने अपने BGMI को ओपन कर दिया है, एंड यहां पर अगर मैं इन्वेंट्री में जाता हूं तो यहां पर आप लोगों को बोनस चैलेंज के जो पॉइंट थे, यानी बोनस चैलेंज वाला जो वाउचर था, वो यहां पर आप लोगों का BGMI के अंदर शो कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि जितने भी आप लोगों ने बोनस चैलेंज के वाउचर अपने पबजी मोबाइल के अंदर ऑन किए थे बोनस चैलेंज में पार्टिसिपेट करके, और आप किसी कारणवश रिडीम नहीं कर पाए UC वगैरह, तो वो भी आप लोगों का पबजी मोबाइल का ट्रांसफर हो गया BGMI में। ऑब्वियसली आप लोगों का भी BGMI में यहाँ पर जो है वो यहाँ पर बोनस चैलेंज आया नहीं है, तो यहाँ से वो कहाँ से पैदा हो जाएगा? तो आपका पुराना वाला ही ट्रांसफर हुआ है। तो इसका सिंपली मतलब ये है कि बोनस चैलेंज जो है वो आप लोगों को BGMI के अंदर देखने के लिए मिलेगा ऑफिशियली। अगर नहीं होता तो ये लोग ट्रांसफर बेफालतू का कहीं के लिए करते हैं, आप लोग अपना दिमाग चलाओ। तो भाई आप लोगों को बोनस चैलेंज बहुत जल्दी देखने के लिए मिलने वाला है। तो अब आप लोग के माइंड में सवाल होगा कि आसिफ भाई ये बोनस चैलेंज आएगा कब, हम कब फ्री में UC वगैरह ले पाएंगे, कब हमारा सपना फ्री में जो है वो पूरा होगा फ्री में UC लेने का, अरे बताओ ना। तो देखो मैं आपको इससे रिलेटेड भी डाउट क्लियर कर देता हूं। तो अगर आप अपने BGMI के अंदर जाओगे ना, तो वहां पर ना आप लोगों को मैच वाला जो ऑप्शन होता है, मैच का जो सेक्शन होता है, मैच का आप लोग देखते हो, जैसे आप उस पर क्लिक करते हो सेटिंग का ऑप्शन आता है, प्लस और भी काफी सारी चीजें आती है, तो वहां पर दोस्तों आप लोगों को मैचेस का ऑप्शन नहीं दिखता है। लेकिन अगर आप यहां पर अपने जो पबजी मोबाइल को ओपन करोगे ग्लोबल को, तो यहां पर आप लोगों को जो दिख जाएगा कि अभी यहां पर जो है वो एक, जैसे आप ओपन करोगे मैच वाले ऑप्शन को, और ये आपको BGMI में शो नहीं कर रहा है, लेकिन पबजी मोबाइल के अंदर ग्लोबल के अंदर ये शो कर रहा है ऑल टैलेंट चैंपियनशिप, जो कि आप लोगों का जो है वो यहां पर चल रहा है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप लोगों को दिखेगा कि ये जो ऑल चैलेंज, ये जो चल रहा है भैया आपका, इसका जो फाइनल राउंड है वो यहां पर आप लोगों का 5 सितंबर को एंड हो जाएगा, ठीक है ना। और आज का मैं अगर आपको डेट बताऊं तो आज भाई 4 सितंबर है, इसका मतलब यहां पर आप लोगों का जो है वो
कल के दिन ये जो फाइनल राउंड है उसका खत्म होने वाला है, ठीक है। ये जो ऑल चैंपियनशिप चल रहा है यहाँ पर पबजी मोबाइल के अंदर, उसके बाद यहाँ पर आप लोग को एक क्लब ओपन, यहाँ पर एक स्पॉन्सर्ड मैच है तो यहाँ पर वो आप लोगों का होगा और ये कुछ दिन चलेगा, ठीक है। एंड यहाँ पर उसके बाद आप लोग को बोनस चैलेंज पबजी मोबाइल के अंदर आ जाएगा। एंड पबजी मोबाइल के बाद कुछ दिनों के बाद, 2 से 3 दिन के बाद आप लोग को BGMI के भी अंदर ऑफिशियली देखने के लिए मिल सकता है, या तो 7वीं आ जाएगा या 1 या 2 दिन डिले हो जाएगा। तो अब कंक्लूजन की बात करो तो आपको बोनस चैलेंज जो है वो आप लोग को 1.6.0 के अपडेट के साथ देखने के लिए मिल सकता है, नए RP के साथ देखने के लिए मिल सकता है। हालांकि ये 1.5 में आने वाला था लेकिन किसी कारणवश इसको डिले कर दिया गया है। लेकिन अब दोस्तों ये डिले बिल्कुल भी नहीं होगा, ये आप लोगों को 1.6 के अपडेट के साथ देखने के लिए मिलेगा। मतलब कि आप लोगों को 10 तारीख यानी 10 सितंबर से 25 सितंबर के बीच आप लोगों को बोनस चैलेंज जो BGMI के अंदर होपफुली जो वो देखने के लिए मिल सकता है। आप लोग कितना ज्यादा एक्साइटेड हो बोनस चैलेंज के लिए मेरे को कमेंट करके जरूर से बताना। अब देखो बात करते हैं मंथ 3 के RP रिवॉर्ड्स के बारे में। तो देखो ये चीज के ऊपर मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने आप लोगों को सारे लीक्स को कवर किए हैं। आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर आप लोगों को एक आउटफिट देखने के लिए मिला होगा जो कि एक मिथिक आउटफिट आप लोगों का आने वाला है मंथ 3 के ऑल पास में, जिसका नाम होने वाला है डीप फ्राइड सेट। जी हाँ, और ये काफी ज्यादा कमाल का, अगर आप लोग देखोगे काफी ज्यादा यूनिक भी देखने के लिए लगता है। आप देखोगे तो सर के ऊपर टोपी खुल गया, सर के ऊपर आपको दिखेगा फ्रेंच फ्राइज वगैरह निकला हुआ। तो भाई ये जो आने वाला है तो ये काफी कमाल का दिखने वाला है। अब बात करते हैं मंत्री के ऑर्नामेंट के बारे में। तो इसका जो नाम होने वाला है वो होने वाला है टैको ऑर्नामेंट। इसका जो है वो भी टेक्सचर जो वो पूरी तरीके से सामने निकल करके नहीं आया है। उसके बाद अगर आगे बढ़े तो यहाँ पर आप लोगों को वेजी कार्टून नाम बैकपैक नाम से आप लोग वेजी कार्टून नाम से बैकपैक देखने के लिए मिलने वाला है जो कि आप लोग को मंथ 3 के RP के साथ देखने के लिए मिलने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पर बात करूँ मंथ 4 के यहाँ पर हेलमेट के बारे में, तो यहाँ पर इसका भी यहाँ पर टेक्सचर नहीं आया, हालांकि यहाँ पे नाम लिखो के आ चुका है जिसका नाम है भाई क्रोनो साइबॉर्न हेलमेट। तो आप लोग यहाँ पर दिखता होगा तो यहाँ पर भाई इसका टेक्सचर अभी पूरी तरीके से सामने लेकर के नहीं आया है। उसके साथ यहाँ पर आप लोग को ग्रेनेड की स्किन देखने के लिए मिलती है, जी हाँ, मंथ 3 का RP में, जिसका नाम है डेडली कैवेज ग्रेनेड। जी हाँ, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि पूरी तरीके से टेक्सचर नहीं सामने निकल के रखा है। अच्छा, तो यहाँ पर मंथ 3 में आप लोगों को इमोट की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप लोग को डीप फ्राइड नाम से एक इमोट देखने के लिए मिल जाएगा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। इसके बारे में प्रीवियसली भी लीक निकल करके हम लोग के सामने आया था। साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगों को एक जो है वो मचा ब्रूजर नाम से भी दोस्तों आप लोगों को एक इमोट देखने के लिए मिलेगा जो कि मंथ 4 के अंदर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ अगर आगे बढ़ो तो यहाँ पर आप लोगों को मंथ 3 के अंदर आप लोगों को एक ट्विस्ट डांस नाम से जो वो एक इमोट देखने के लिए मिलेगा जो कि फ्री पास के अंदर आने वाला है। अब आगे बढ़ो तो यहाँ पर आप लोगों को मंथ 4 के अंदर एक बनी डांस नाम का भी दोस्तों जो वो आप लोगों को एक इमोट देखने के लिए मिलने वाला है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो इसका आपको टेक्सचर नजर आता होगा। तो काफी सही है। आगे बढ़ो तो यहाँ पर आप लोगों को जो है वो यहाँ पर जो है वो एक QBZ की आप लोगों को स्किन जो वो आने वाली है जो कि जिसका टेक्सचर अभी तक पूरी तरीके से यहाँ पे निकल करके नहीं आया है। साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगों को जो है वो M16 का भी यहाँ पर आप लोगों को जो है वो M3 के अंदर एक कमाल की जो वो आप लोगों को स्किन देखने के लिए मिलने वाली है, लेकिन अभी इसका भी जो टेक्सचर सामने निकल के पूरी तरीके से हम लोग को देखने के लिए नहीं मिला है। तो ये कुछ दोस्तों जो है वो मंथ 3 के RP रिवॉर्ड्स थे। आप लोगों को इसमें से कौन सा अच्छा लगा आप मेरे को कमेंट करके बता देना। तो बस आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो आपको कुछ भी नहीं करना, आप इस वीडियो को लाइक करना, क्योंकि आपका एक लाइक आपके भाई को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। एंड अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो मुझे दिल से खुशी होती है। तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर दिया करो और इस वीडियो को भी जरूर से शेयर करना। सो गाइस, जब मैं आपसे मिलूंगा किसी न्यू एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे एंड बाय।